हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे इस वीडियो में आपको, ये हमारे पास कमेंट आया है, इन्होंने लिखा है गेहूँ 2350 रुपये है तो 87 किलो कितने रुपए का होगा। तो हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पर, आप ध्यान से देखें। देखो हम कैलकुलेटर पर आ चुके हैं, जैसे गेहूँ 2350 रुपये है, 87 किलो कितने रुपये का होगा। ठीक है, तो आप ऐसे निकालना हिसाब इसको, जैसे तुमने रेट एक कुंटल का बताया है। ठीक है, हमें एक कुंटल का रेट मालूम है, तो यहाँ 2350 लिखो, फिर उसके बाद में आपको भाग लगाना है। ठीक है, भाग का चिन्ह लगा लिया, उसके बाद में आपको यहाँ 100 का भाग दे देना है, क्योंकि एक कुंटल में 100 किलो वजन रहता है। ठीक है, तो आप 100 लगा लिए, तो यहाँ देखो एक किलो का निकल आया 30 रुपये 50 पैसे। ठीक है, यहाँ आपको फिर क्या करना है, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाना है, जितने किलो लेना है आप, जितने कुंटल लेना है वो आप इस गुणा के पीछे लगा दो, उतना पैसा निकल आएगा नीचे। ठीक है, जैसे आपने पूछा था 87 किलो, ठीक है, 87 किलो कितने का, 2044 रुपये 50 पैसे का। ठीक है, इतने का बन गया 87 किलो वजन। अगर इसमें ग्राम निकालना है, जैसे ग्राम भी है, 87 किलो 200 ग्राम है, तो यहाँ कैसे निकालेंगे, 87 के बाद यहाँ पॉइंट लगा लेना, और देखो जैसे 200 ग्राम है तो यहाँ 200 लिख दो पीछे, तो ये आ गया देखो 2049.20 रुपये। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे इसके बाद में मान लो 87, आप ग्राम तो सीख ही गए, मान लो अब 3 ग्राम है पीछे या 2 ग्राम है, उसको कैसे लिखेंगे ध्यान रखना। जैसे ये पॉइंट लगा है, एक पॉइंट के बाद में आपको ये 0 और 0, 2 जीरो लगाने के बाद में अब यहाँ 2 लिखो, 9 तक कोई भी अंक लिखोगे उतने ग्राम हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे ये 9। ठीक है, तो 87 किलो 9 ग्राम हो गया ये। ठीक है, तो 2044 रुपये और 71 पैसे का ये हो गया। यहाँ ये देखो ये पॉइंट आ रहा है, या पॉइंट के बाद में 2 ही अंक लेने हैं आपको। ठीक है, 71 पैसे, और यहाँ ये रुपए हैं। ठीक है, इस साइड में, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है हिसाब। ठीक है, अब इसी को क्वांटिटी को बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप एक बार में समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे ये हमको लेना है एक कुंटल, जैसे मान लो 10 कुंटल या 5 कुंटल लेना है, तो यहाँ खाली क्या करना है आपको, जैसे यहाँ आप 100 का भाग दे दिए, और तो यहाँ पे आपको यहाँ 200 लेना, तो यहाँ 200 लिख के ऐसे, तो ये हो गया 2 कुंटल, कितना हो गया 2 कुंटल। ठीक है, यहाँ 2 कुंटल है और 87 किलो है, तो इसी में आएगा 87 किलो। कैसे जोड़ेंगे मालूम है, पीछे से 2 जीरो हटाओ और यहाँ 87 लिख दो, ये 2 कुंटल 87 किलो। पॉइंट अगर ग्राम है, जैसे आधी किलो है 500 ग्राम, तो यहाँ 500 लिख दें, तो ये देखो निकल आया यहाँ पे, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आप एक बार ध्यान से देख लें, फिर कभी नहीं भूलेंगे इस बात को। ठीक है, पहले रेट, फिर भाग का चिन्ह, और जिस चीज़ का रेट है, जितने ग्राम का किलो का है, तो वो यहाँ लिख लें भाग के बाद में। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह लगा लें, और उसके बाद में जितने किलो का लेना है वो ले सकते हैं, जैसे 2 कुंटल 87 किलो, या इसे ऐसे ही बोल सकते हैं 287 किलो पॉइंट 500 ग्राम। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, तो 2 कुंटल 87 किलो 500 ग्राम। ठीक है, ये आपका वजन बन गया। इसका कितना रुपये बनना है, यहाँ आप देख सकते हैं 6756.25 रुपये। ठीक है, पॉइंट के 2 ही अंक लेते हैं पीछे की, 25 पैसे आ रहा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कैसे हिसाब लगाते हैं। ठीक है, और वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करना, चैनल पे हमारे पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पहले आइकन को दबा लेना, ताकि हम दूसरा वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए। और आपके मन में कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड।